पूरा विश्व और अपना भारत देश आज कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। इसका इलाज न मिलने की वजह से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 132 करोड़ के भारतीयों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। आप विश्वास करें, इनके भी परिवार, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी माँ बाप हैं। ये फिर भी सड़क पर हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। ये फिर भी रात में क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने जाते हैं ताकि कोरोना जैसी बीमारी आप तक ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ वक्त पहले ही बताया, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के जिले में मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिलाने की दृष्टि में अव्वल नंबर पर। यहाँ पर अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाया जा चुका है। चाचा आपका क्या नाम है? दीपक। कौन से गाँव से? जला महादेव। और आप यहाँ पे खेत में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं? हाँ। तो इसके लिए आपको पैसा मिल रहा है? हाँ। कितने रुपए मिल रहे हैं? 202। 202 रुपए आपको मिल रहे हैं। और ये आपको किसी भी तरीके की असुविधा तो नहीं हो रही है? इस जिले की कमान को संभाल रखा है 2011 बैच के IAS जिलाधिकारी श्री दीपक मीना जी ने, 2012 बैच के IPS श्री विजय ढोल जी ने और मुख्य विकास अधिकारी 2016 बैच के IAS श्री पुलकित गर्ग ने। जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो, आधे अधूरे ख्वाब जो पूरी